दिल्ली में आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का बवाल जारी है। दिल्ली विधानसभा का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में राजधानी की सड़कों पर उतर आए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति की आड़ में करोड़ों रुपए का घोटाला किया, जिसके विरोध में दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन शुरू कर दिया। पुलिस ने काफी देर तक पानी की बौछार कर कार्यकर्ताओं को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं जमे रहे। यहां तक कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग की थी, उन लोगों ने उसे भी पूरी जान लगाकर गिरा दिया, और उसके बाद वो दिल्ली विधानसभा की तरफ कूच करते दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद दिखे। वो भी पुलिस की सख्ती के बावजूद अपनी मांग पर अड़े रहे और वहीं बैरिकेड के ऊपर बैठ गए। उन्होंने केजरीवाल से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मुख्यमंत्री सिसोदिया को बर्खास्त नहीं कर रहे। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पुतले फूंके। इस दौरान उन पुतलों की बीच सड़क पर जमकर डंडों से पिटाई भी की गई। हाथों में तख्तियां लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आदेश गुप्ता की अगुवाई में विशाल रैली भी निकाली।